हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग ग्रेड 7 बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सब्जेक्ट SST। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4 विच इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो वी हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट्स ऑफ ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। ऑल्सो we have taken information about growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. Okay, now in this video we are going to start remaining part of the chapter, which is valuing housework. Okay dear students, इस वीडियो में हम valuing housework, ये जो अपना पॉइंट है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि आजकल सोसाइटी में जो वुमेन्स होती है, गर्ल्स होती है, उनके वर्क्स को ज़्यादातर वैल्यू नहीं किया जाता है, उनको इनइक्वलिटी हम देखते हैं, इक्वली उनको जस्टिस नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट में देखेंगे कि किस तरह से वैल्यूइंग हाउस वर्क, यानी कि वुमेन्स द्वारा जो कुछ भी हाउस वर्क किया जाता है उनको किस तरह से वैल्यू मिलनी चाहिए या फिर किस तरह की वैल्यू उनको देनी चाहिए, इसके बारे में इस पॉइंट में हम आज इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। So firstly read the first line. Harmeet's family did not think that the work Jasprit did within the house was real work. अब ऊपर जो pictures आप देख रहे हो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक example दिया गया है, उस example में different types of information दी गई है, उसमें क्या कहा गया है कि Harmeet family did not think, Harmeet की जो family है वो क्या नहीं सोचती है कि the work Jasprit did within the house was real work. देखिए अब क्या सोचते हैं वो लोग कि ये जो जसप्रीत है जो कि एग्जाम्पल में पिक्चर में दिखाई गई है, तो ये जसप्रीत जो घर में वर्क करती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो यूजुअल वर्क रहता है, जनरल वर्क होता है, उसे कुछ ज़्यादा वो वैल्यू नहीं देते हैं। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज, और ये जो फीलिंग होती है ये यूनिक होती है क्या? नहीं, क्योंकि घर में जो भी कुछ काम होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि वुमेन्स द्वारा किए जाते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रेन द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स लाइज विथ वुमेन। अब जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि घर के जो भी कुछ काम होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं या फिर उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, ये सोच क्या है? गलत सोच है, क्योंकि घर के सारे वर्क क्या होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स ऐसे होते हैं जो दूसरा कोई इंसान या फिर दूसरा कोई पर्सन वुमेन्स के अलावा नहीं कर सकता है। कौन कौन से वर्क्स होते हैं? केयर गिविंग, यानी कि घर की जो केयर होती है, सारे मेंबर्स की केयर करना, घर को अच्छे तरीके से रखना, संभालना, ये जो टास्क होते हैं ये टास्क वुमेन्स द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाते हैं। किस तरह के वर्क्स होते हैं? लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, फैमिली के जो भी कुछ अपने मेंबर्स होते हैं उनकी देखभाल करना, स्पेशली चिल्ड्रेन, स्पेशली जो खासकर छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना, उनकी तरफ देखना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके बारे में जानकारी रखना, उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करना। उसके बाद है एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उस बीमार व्यक्ति या फिर पर्सन की या फिर फैमिली मेंबर की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो घर की वुमेन्स पर दी जाती है, वुमेन की तरफ वो जिम्मेदारी प्रोवाइड की जाती है, लाइज विथ वुमेन। ये जो सारी इस तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो कौन अपने ऊपर लेता है? जो वुमेन्स होती है वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती है, पूरी करती है, यानी कि घर के जो भी कुछ डोमेस्टिक वर्क हो, फैमिली मेंबर्स को अगर कुछ चाहिए हो या फिर छोटे बच्चे हो, बीमार पर्संस हो, इन सबको जो भी कुछ चाहिए वो देना, उनकी देखभाल करना और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से रखने का जो वर्क है वो वुमेन के द्वारा किया जाता है। फिर भी कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं कहीं कहीं पे कि वुमेन्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, लोग सोचते हैं कि जो वुमेन्स द्वारा वर्क किए जाते हैं वो कुछ मायने नहीं रखते हैं, वो तो उनको करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वुमेन्स का वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो क्या करती है? अपने घर की देखभाल करती है,
अपने घर को वो अच्छे तरीके से संभालती है। तो वो जो वर्क होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, आपको भी मालूम है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। लेकिन आजकल समाज में जो वर्क स्त्रियों द्वारा या फिर वुमेन्स द्वारा किया जाता है उनको बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंस हमने जैसे देखा वैसे इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और कभी कभी तो लोगों की ऐसी सोच होती है कि ये जो घर के सारे काम होते हैं ये वुमन को नेचुरली मिले हैं या फिर नेचुरली उनकी वो क्या है ड्यूटीज है, यानी कि घर का काम सिर्फ औरतों को ही करना चाहिए, वुमेन्स के द्वारा ही वो काम होना चाहिए। इस तरह की सोच कुछ लोग अपने ऊपर रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। और जो औरतों का काम होता है वो उनको करना ही होता है, वो उनकी ड्यूटी होती है, ऐसी सोच लोगों के दिमाग में कभी कभी आती है। और क्या होता है फिर सोसाइटी में, एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। और वुमेन्स के द्वारा जो वुमेन्स थ्रू जो भी कुछ डोमेस्टिक वर्क हाउस वर्क होते हैं उनको डिवैल्यू किया जाता है, उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता है, कोई जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो इम्पोर्टेंस औरतों को काम के लिए नहीं मिल पाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब ये हमने देखा कि जो भी कुछ हाउस वर्क की वैल्यूइंग करनी चाहिए, महिलाओं को जो भी कुछ सम्मान मिलना चाहिए वो उसके बारे में हमने इस पॉइंट में जानकारी ली है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना देखिए, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अब आपने देखा होगा कि घर में कुछ काम करने वाली महिलाएं होती है। ओके, तो अपने घर में आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि बर्तन मांजने वाली महिलाएं होती है, कुछ हाउस वर्क करने अलग अलग घरों में जाकर अलग अलग टाइप्स के वर्क्स उन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इन महिलाओं का जीवन कैसा होता है, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ये जो घरेलू काम करने वाली औरतें होती है, वुमेन्स होती है, या फिर ये जो वर्कर्स होते हैं इनकी लाइफ किस तरह की होती है देखिए। इन द स्टोरी अबो हरमिट्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। अब जो स्टोरी आपको दी गई है पिक्चर में, उस स्टोरी में क्या दिया गया है, हरमित और जसप्रीत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो क्या बताया है, हरमिट्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। अब आप लोगों को मालूम है हर घर में जो महिलाएं होती है, वुमेन्स होती है, वो अपने अपने घर का क्या करती है, काम करती है। तो यहां पर दिया गया है हरमित्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन, यानी कि हरमित एक ऐसी एक अकेली औरत नहीं है जो घर का काम करती है। इस विश्व में पूरे जहां में वर्ल्ड में जो भी कुछ महिलाएं होती है, वुमेन्स होती है, वो अपने अपने घरों का काम संभालती है, उसे बैलेंस करती है। अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला देयर डोमेस्टिक हेल्पर। उनके घर में ही मंगला नाम की एक क्या है, घर काम या भी घर में काम करने वाली, इसको हम वुमेन कहते हैं, वर्कर कहते हैं, वो मंगला नाम की वहां पर एक लेडीज है, वुमेन है, वो डोमेस्टिक हेल्पर यानी कि घर में जो भी कुछ काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, उनमें क्या करती थी, वो मदद करती थी। मेनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। अब आप लोग देख सकते हो कि जो भी कुछ टाउन्स होते हैं, सिटीज होते हैं यानी कि शहर होते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारी जो वुमेन्स होती है, कभी कभी क्या होता है सिटीज में, टाउन्स में वर्किंग वुमेन्स रहती है या फिर कोई जॉब करता है, कोई किसी काम के लिए बाहर जाता है, तो घर के कामों की मदद के लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरह की डोमेस्टिक वर्कर को ज्वाइन कर लिया जाता है, वो जो डोमेस्टिक वर्कर होती है वो घर के कामों में हेल्प करती है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल यहाँ पर मंगला नाम की एक डोमेस्टिक वर्कर यानी कि एक वुमेन यहाँ पर दिखाई है जो कि हरमित के घर में काम करती थी, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रेन और द एल्डरली। अब ये जो मंगला है इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वो अलग अलग घरों में जाकर डोमेस्टिक वर्क करती है ताकि अपना गुजारा कर सके। तो किस तरह के वर्क्स वो लोग करते हैं देखिए, स्वीपिंग, क्लीनिंग यानी अपना घर साफ सुथरा रखना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़ों को धोना, एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रेन।
और घर के जो भी कुछ और छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि स्वीपिंग करना, घर को साफ सुथरा रखना, उसके बाद अपने जो बर्तन है वो धोना, कुकिंग यानी कि खाना बनाना, लुकिंग आफ्टर यंगर चिल्ड्रेन, जो छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना, इस तरह के जो भी कुछ काम होते हैं ये काम हम ये जो डोमेस्टिक वर्कर है ये डोमेस्टिक वर्कर के थ्रू करवा के लेते हैं, या फिर सिटीज़ में टाउन्स में इस तरह के काम डोमेस्टिक वर्कर द्वारा वुमेन्स द्वारा किए जाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। अब जनरली हम देखते हैं कि घर में काम करने वाली जो बाई होती है, वुमेन होती है, वो क्या होती है, जो वुमेन्स द्वारा ही ये काम किया जाता है ना। तो घर में काम करने के लिए जो भी कुछ वुमेन्स हम रखते हैं, क्या करते हैं, वो अपने घर के जो भी कुछ छोटे छोटे बच्चे कुछ काम है, छोटे बच्चों को संभालना, घर का खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, ये सारे जो काम होते हैं वो वुमेन्स के द्वारा किए जाते हैं। ओके, समटाइम्स कभी कभी इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी यंग बॉयज जो होते हैं उनको भी काम पर रख लिया जाता है, गर्ल्स जो होती है उनको भी काम पर रख लिया जाता है। वेजेस आर लो एंड एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। देखिए, लेकिन ये लोग सब काम करते हैं लेकिन इनको जो इसकी सैलरी होती है, वेजेस होते हैं, इनको जो वेतन मिलता है ये बहुत ही कम होता है। क्योंकि क्यों कम मिलता है, क्योंकि घरेलू जो काम होते हैं, डोमेस्टिक जो वर्क होते हैं, उनको आज भी सोसाइटी में ज्यादा वैल्यू नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि चलो ये तो घर काम है, ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पर उनको जो वेजेस है, जो वेतन है, सैलरीज है, वो कम मिलती है। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग एंड एंड एज लेट एज 12 एट नाइट। क्या आप लोगों को मालूम है जो भी कुछ घर काम करने वाली वुमेन्स रहती है, यंग बॉयज रहते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो कब उठते हैं? सुबह के लगभग 5 बजे, यानी कि 5 बजे उनको उठना पड़ता है, हर घर में जाकर उनको अपना काम करना पड़ता है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो उनका दिन जो है अर्ली एज 5, यानी कि सुबह जल्दी 5 बजे वो उठ जाती है, और कब सोते हैं वो? एंड एज लेट एज 12 एट नाइट, लगभग रात के 12 बजे तक वो लोग काम करते रहते हैं। आप लोग सोच सकते हो कि इतना ज्यादा काम करने से वो कितने थक जाते होंगे, कितना काम उनको करना पड़ता होगा कि सुबह से 5 से लेकर रात के 12 बजे तक ये जो डोमेस्टिक वर्कर है ये काम करते हैं, तो वो उस काम से थक जाते हैं, है ना। तो ये बात हमको इंडिकेट करती है, ये बताती है कि घर के काम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। ओके, डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। अब ये जो वुमेन्स होती है, गर्ल्स होती है, बॉयज होते हैं, ये अपने घर के काम करते हैं, लेकिन इस काम करने के बावजूद भी ये जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोगों की सोच क्या है कि ये तो घर का काम है, ये हल्का फुल्का काम है और इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो है वो उनसे क्या करवाते हैं, हमारा जो घर का बैलेंसिंग है, हमारा जो घर है वो अच्छे तरीके से संभालने का काम ये डोमेस्टिक वर्कर्स के थ्रू किया जाता है। ओके, तो उनको भी एक उनका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर सिख मेंबर्स हमारे फैमिली के होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, तो उनको भी उनका एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट है वो देना चाहिए, मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन है, देखिए, दिस इज व्हाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। अब पिक्चर में यहां पर एक वर्कर दिखाई गई है, यहां पर यू कैन सी हेयर द पिक्चर, अ वुमेन टेकिंग अ लिटिल बेबी गर्ल मेलानी विथ हर डॉटर। अब ये जो लड़की है छोटी सी, ये इस डोमेस्टिक वर्कर की क्या है, छोटी सी बच्ची है। अब देखिए उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, मेलानी जो है वो कहां पर रहती है, दिल्ली में रहती है, दिल्ली में वर्क करती है। ओके, जो भी कुछ हाउस होल्ड के वर्क होते हैं, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, वो मेलानी के थ्रू किए जाते हैं। देखिए, माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-स्टोर हाउस।
अब मिलानी उसकी जो एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस हमें बयान कर रही है, बता रही है क्या कि मेरा जो फर्स्ट जॉब था, मैं जहाँ जॉब करती थी वो घर कितने मंजिले का था, तीन मंजिले की वो इमारत थी, तीन मंजिला घर था। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। अब मेम साहिब का मतलब होता है जो घर की घर के जो ओनर होते हैं, लेडीज ओनर, उनको कहा जाता है हिंदी में मेम साहिब। तो ये जो मेलानी है ये बता रही है कि वहाँ की जो मेम साहिब थी, यानी कि घर की जो ओनर लेडी थी, वो हमेशा चिल्लाती रहती थी कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, हर बात पे वो क्या करती थी, एंग्री हो जाती थी, शाउटिंग करती थी, जोर जोर से मेरे ऊपर चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, देयर वेयर टू अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। अब मेरा जो काम था, यानी कि मेलानी का काम क्या था वहां पर, कि किचन में खाना बनाना, बर्तन जो है वो क्लीनिंग करना, ये जो किचन के जो भी कुछ छोटे मोटे वर्क होते हैं वो वर्क ये मेलानी के थ्रू किए जाते थे। वो कह रही है, वो बता रही है कि मेरे अलावा वहां पर दो और गर्ल्स थी, दो और लड़कियां थी जो कि घर की सफाई का काम करती थी, क्लीनिंग का काम करती थी। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock। हम सुबह 5 बजे उठते थे। हमारा दिन कब शुरू होता था, बिगिन एट 5 o'clock, यानी कि सुबह 5 बजे से हमारे काम उस घर में शुरू होते थे। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 dry rotis। अब वो लोग वहीं पे रहते थे, सुबह 5 बजे उठकर सुबह नाश्ते में क्या मिलता था उनको, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय मिलती थी, और दो जो रोटियां होती है ड्राई रोटीज, उस चाय के साथ उनको दी जाती थी। वी कुड नेवर गेट अ 3rd roti। अब देखिए, उनको अगर ज़्यादा भूख लगी रहती थी या फिर उनको अगर 3rd roti चाहिए होती थी तो मिलती थी क्या, नहीं मिलती थी। ये कौन बता रहा है, ये जो डोमेस्टिक वर्कर है मेलानी, ये हमको बता रही है कि अगर हमें भूख भी लगी हो तो भी हमें 3rd roti नहीं मिल पाती थी। इन द इवनिंग When I cooked the food, जब हम शाम को खाना बनाते थे, the two other girls would beg me to give them an extra roti। जो मेरे साथ मेरे अलावा दो छोटी छोटी जो लड़कियां वहां पर काम करती थी या फिर जो भी कुछ एजड गर्ल्स उनके साथ काम करती थी, उस वो जो गर्ल्स है वो क्या करती थी, बेग करती थी, यानी कि उनको भूख ज्यादा लगी हुई रहती थी तो वो मुझसे, मेरी मेरे पास जो भी कुछ एक्स्ट्रा रोटी रहती थी वो मुझसे मांगकर वो खाती थी। एक्स्ट्रा रोटीज जो थी वो जो दो लड़कियां हैं उनको मेलानी के थ्रू दी जाती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। और मैं क्या करती थी फिर, चुपके से मेरे पास जो भी कुछ रोटियां बची हुई रहती थी मैं उनको दे डालती थी और मेरे लिए चुपके से एक एक्स्ट्रा रोटी मैं किचन में बना लेती थी। We were so hungry after working through the day। और हम क्या करते थे, दिन भर काम करते थे और दिन भर काम करने की वजह से पूरी तरह से हम थक जाते थे। We could not wear chappals in the house। हमारे पैरों में चप्पल नहीं पहन सकते थे हम घर में। देखिए, In winter our feet would swell up with the cold। विंटर में हमारे जो पैर हो जाते थे वो पूरे, हमारे पैरों में विंटर से, ठंड से पूरे छाले पड़ जाते थे, पूरे हमारे पैरों में क्रैक आ जाते थे। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहिब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे। अब कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी तो मुझे डर भी लगता था कि मेम साहिब क्या करती है, शाउटिंग करती है, चिल्लाती है, एंग्री होती है। लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि ये जो इस तरह के डोमेस्टिक वर्क करने वाले लोग होते हैं, ये हमारे घर को पूरी तरह से संभालने का काम करते हैं, तो इनके साथ जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ था। उन लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारे साथ जो भी कुछ व्यवहार होता है वो अच्छा हो। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। अब यही सवाल मेलानी को पड़ता है कि हमें आदर आतिथ्य या फिर हमें आदर नहीं मिलना चाहिए, क्यों हम घर को संभालते हैं। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, हम दिन भर काम करते हैं, घर को अच्छे तरीके से संभालते हैं, तो हम इस लायक भी नहीं है क्या हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले। इस तरह के सवाल उन लोगों के मन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन है, देखिए, इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली
term as housework actually involves many different tasks. अब घर में जो भी को आप लोगों को मालूम है, घर में एक काम होता है क्या? नहीं, बहुत सारे काम घर में हम देखते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम हमारे घर में होते हैं. A number of these tasks require heavy physical work. और जो काम होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, घर के काम करना इतना आसान नहीं होता है. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. अब आप लोगों को rural area में मालूम है कि जो भी कुछ women's होती है, girls होती है, दूर दूर से उनको जो पानी होता है वो पानी लाना पड़ता है. पानी की किल्लत होती है rural area में, तो दूर दूर से बड़े छोटे छोटे जो गांव होते हैं तो बड़े दूर से उनको अपने घर का जो यूज होता है, घर में जो पानी की जरूरत होती है, वो पानी बड़े दूर से लाना पड़ता है. इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हेवी हेड लोड्स और फायरवुड. उसी के साथ जो भी कुछ हेड लोड्स होते हैं, फायरवुड्स होते हैं, जलाने का ईंधन जो होता है, वो भी रूरल एरिया में अपने सिर पर ढोते हुए वुमेन्स गर्ल्स अपने घर तक लाती है. ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, टास्क लाइक washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. देखिए किस तरह के works उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं. washing clothes यानी कि वो पानी भरते हैं, उसके बाद कपड़े धोना, cleaning उनको clean करना, sweeping and picking up loads बहुत सारे जो भी कुछ heavy load होते हैं उनको pick करना, require bending, lifting and carrying जो भी कुछ छोटी मोटी चीजें उठाकर इधर उधर रखना. मेनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स. और किचन में जब भी कुछ वुमेन्स खाना बनाती है तो बहुत समय तक उनको जो हॉट स्टोव होते हैं उनके सामने उनको खड़ा रहना पड़ता है. द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनुअस एंड फिजिकली डिमांडिंग वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मेन. अब जो मेन लोगों का, पुरुषों का काम होता है, अगर उनकी तुलना की जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए, तो महिलाओं का काम जो है वो बहुत ही जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स ही होता है, कठिन होता है. अगर उनका काम देखा जाए तो बहुत ही कठिन काम वो करती है. अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकोगनाइज इज दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. अब दूसरा एक अगर देखा जाए कि ये जो हाउस वर्क होते हैं, हाउस वर्क एंड केयर गिविंग, घर की देखभाल करना, घर को संभालना, दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. हम क्या सोचते हैं कि इसमें तो कुछ टाइम ही नहीं लगता है, ये फटाक से काम हो जाता है. इनफैक्ट, लेकिन सच बात क्या है, इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग दैट मेन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लीजर. अगर हम सोचते हैं कि घर के जो काम होते हैं उनको कुछ टाइम ही नहीं लगता है, हाँ, और जो लोग होते हैं मेंस होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अगर मेंस का काम और वुमेन्स के काम का जो टाइमिंग है इनको कंपेयर किया जाए तो हम देख सकते हैं कि वुमेन को बहुत ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता है, उनको रेस्ट करने के लिए लीजर टाइमिंग नहीं मिल पाता है. Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998-1999. See if you can fill in the blanks. अब यहाँ पर ये जो box दिया गया है, ये box है, एक survey है. Below is some data from special study done by Central Statistical Organization के through, यानी कि main कितने काम या फिर मेन कितने आवर्स तक काम करते हैं और वुमेन्स कितने आवर्स तक काम करती है, इसके बारे में इस ब्रैकेट में हमें जानकारी दी है. इसको आपको अच्छे तरीके से रीड करना है. ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है. वुमेन्स वर्क एंड इक्वेलिटी. अब देखिए इस पॉइंट में हम देखेंगे वुमेन्स वर्क और इक्वेलिटी, महिलाओं का जो काम होता है और इक्वेलिटी यानी कि समानता और उनका वर्क, महिलाओं का वर्क और समानता. एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर. देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा है
क्या देखा है? एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क, जो महिलाओं का हाउस होल्ड काम होता है, घर का जो काम होता है, घर को जो केयर गिविंग वर्क होता है, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. ओके, इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इन इक्वेलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. अब ये जो पार्ट है, ये जो सिस्टम है, ये मेन एंड वुमेन यानी कि पुरुष और महिलाओं में होने वाला क्या है, बहुत बड़ी इन इक्वेलिटी यानी कि असमानता जिसे कहा जाता है, यानी कि जो भी कुछ पुरुष काम करते हैं, मेन काम करते हैं, उन्हें का क्या कहा जाता है कि मेंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और महिलाएं जो काम करती है उसे कुछ समय ही नहीं लगता, वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इस तरह की एक सोच जो है वो सोच इन इक्वेलिटी पैदा करती है, यानी कि असमानता मेन और वुमेन में लाती है. हालांकि इनफैक्ट जो सच में बात क्या होती है कि जो महिला काम करती है वही जो काम पुरुष अगर करते हैं, मेंस अगर करते हैं, तो ये बहुत ही महिलाओं का काम क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनका जो काम होता है बहुत ही हेवी होता है, उसे एक पर्टिकुलर वैल्यू इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. वुमेन्स का जो हाउस होल्ड वर्क होता है तो उस हाउस होल्ड के थ्रू उनको एक रिस्पेक्ट जो होती है वो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए. इट देयरफॉर हैज टू बी डियर्ड विथ थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एज द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट. इतना ही नहीं, सोसाइटी के ही थ्रू नहीं या फिर फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही नहीं, तो जो गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट के थ्रू भी जो महिलाओं का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, वो उनको मिलना चाहिए. एज वी नाउ नो इक्वेलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें मालूम हुआ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी यानी कि समानता एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल है, बहुत ही बड़ा तत्व है. कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि महिलाएं और जो पुरुष होते हैं, मेंस होते हैं, वुमेन होती है, उन्हें क्या करना चाहिए, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, उनको समान न्याय और समान उनके जो राइट्स होते हैं वो मिलने चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर निर्भर नहीं करता है कि आपको किस तरह, आपके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए. दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. अगर मेल हो या फिर फीमेल हो, इनके साथ जो भी कुछ बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, ये सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ये कौन सा रीजन नहीं होना चाहिए, नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव करने का ये कारण नहीं बनना चाहिए कि एक फीमेल है इसके लिए उसके साथ भेदभाव करो, मेल है इसके लिए उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए. दोनों को भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए. इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रिमेडी द सिचुएशन. और गवर्नमेंट भी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा महिलाओं को उनका आत्मसम्मान जो है, उनका रिस्पेक्ट जो है वो मिले, इस तरह की परिस्थितियां बदले, यानी कि वुमेन्स के साथ जो भी कुछ इनइक्वालिटीज होती है, असमान धोरण जो होते हैं, वो उनमें चेंजेस लाने का जो प्रयास है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. इस तरह की जो परिस्थितियां है ये बदलने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट रिकोगनाइजेस दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स. और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखा जाए तो किस तरह का एक काम महिलाओं को दिया जाता है, चाइल्ड केयर, हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स. जो गर्ल्स होती है, वुमेन्स होती है घर में, उनको घर का काम करना या फिर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको संभालना, हाउस केयरिंग या फिर मेंबर हाउस मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनकी देखभाल करना, ये सब चीज़ें वुमेन्स को ही करनी चाहिए. इस तरह की जो विचार श्रेणी है, विचारधारा है, ये बदलने का काम होना चाहिए. और इसके लिए किसके द्वारा एफर्ट्स लिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एफर्ट्स दिए जा रहे हैं. ओके, यहाँ पर दिया गया है, मेनी वुमेन लाइक सोनालीज मदर इन द स्टोरी एंड द वुमेन इन तमिलनाडु एंड हरियाणा हु वेयर सर्वेड वर्क बोथ इनसाइड
एंड आउटसाइड द होम. दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क. यानी कि कुछ इस तरह से होता है, कई महिलाएं घर में भी काम करती है और घर के बाहर में यानी कि खेती बाड़ी के काम भी उनके द्वारा किए जाते हैं. तो ये जो होता है ये उनके ऊपर क्या होता है, डबल बर्डन दिया जाता है. यानी कि घर का काम भी करो, बाहर का काम भी आप करो, इसका एक जो डबल बर्डन है वो उनके ऊपर आता है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो आप किस तरह से, यहाँ पर चिल्ड्रेन एंड आंगनवाड़ी सेंटर इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश. देखिए एक आंगनवाड़ी, आपको मालूम है आंगनवाड़ी में जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनको संभालने का काम वहाँ की जो टीचर्स होती है उनके द्वारा किया जाता है. तो मध्य प्रदेश में एक आंगनवाड़ी है, वहाँ का एक पिक्चर है छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो महिलाएं संभालती है और किस तरह से वुमेन्स के द्वारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संभालने का काम किया जाता है. एक इस तरह का एक पिक्चर, एक सिचुएशन आप यहां पर देख सकते हो. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस नेचुरली हैज एन इंपैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. अब इसका जो इंपैक्ट होता है वो गर्ल्स के ऊपर पड़ता है. कैसे कि जो भी कुछ रूरल एरिया होता है तो रूरल एरिया में छोटे छोटे बच्चों को संभालने का काम गर्ल्स की तरफ सौंप दिया जाता है. इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव. देखिए क्या एक डिटर्मिनेशन है, क्या विचारधारा है, वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव. किस तरह का करियर वो पा सकती है या फिर किस तरह के काम जॉब्स वो गेन कर सकती है. द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. अब आप लोग देख सकते हो कि रूरल एरिया में बहुत सारी क्या होती है, आंगनवाड़ीज होती है ना, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और वहाँ की जो टीचर्स है उनको अच्छे तरीके से एक टीचिंग करना, उनको संभालने का काम उनके द्वारा किया जाता है. उनको केयर सेंटर भी हम कह सकते हैं, एक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी केयर लेना, उनकी देखभाल करना, उनको अलग अलग तरीके की अच्छी बातें टीचिंग करना, ये सारी चीज़ें आंगनवाड़ी हो, केयर सेंटर्स हो, ये बहुत सारे विलेजेस में हम हमारी जो कंट्री है उसमें आज देख सकते हैं. द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रीच फैसिलिटीज. द प्रोविजन ऑफ क्रीचेस हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. अब क्रीच यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए जो हाउस बनाया जाता है या फिर छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर वुमेन्स अपनी रख कर वहाँ पर कुछ महिलाएं होती है, वो महिलाएं क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों को संभालती है. तो उस क्रीच में अपने छोटे छोटे बच्चे रख कर महिलाएं क्या कर सकती है, काम कर सकती है. ठीक है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए आज काम कर रहे हैं. द प्रोविजन ऑफ क्रीचेस हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. और इस तरह के क्रीचेस के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को केयर सेंटर हम उसे कह सकते हैं, उस केयर सेंटर में अपने बच्चों को रखकर महिलाएं अपना जो आउटसाइड होम जो है या फिर होम के आउटसाइड के जो भी कुछ वर्क है वो कर सकती है और अपना करियर वो बना सकती है, जॉब्स गेन कर सकती है. इट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल इट फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स. और जो रूरल एरिया में छोटे बच्चों को संभालने के कारण गर्ल्स स्कूल नहीं जा पाती है, ऐसी गर्ल्स भी इस केयर सेंटर में छोटे छोटे बच्चों को रखकर स्कूल अटेंड कर सकती है और सुशिक्षित या फिर लिटरेट हो सकती है, अच्छे तरीके का एक एजुकेशन वो ले सकती है. ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये खत्म हुआ है. और इसी तरह से ये जो लेसन है, ये लेसन हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक देखा है. आई होप आपको ये जो लेसन है ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. आपको अच्छे तरीके से लेसन एक बार रीड करना है, इसके ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.